हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए देखिए हमारे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर। इसका मतलब कि कह रहे हैं कि 2 मिलियन से ज़्यादा जॉब सीकर और जॉब की तलाश करने वाले लोग हैं। हु आर ऑलरेडी कम्प्लीटेड, जिन्होंने पहले से ही पूरा कर रखा है देयर फिटनेस टेस्ट, अपने फिट मतलब फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट होता है उसको उन्होंने कम्प्लीट कर रखा है फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, और सिंस 2020 से ही। ठीक, अच्छा, अब इसमें एरर की बात करें तो कुछ चीज़ बेसिक चीज़ है, याद रखिएगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में फॉर या सिंस प्लस टाइम दिख जाए तो हम सबको पता है फॉर या सिंस प्लस टाइम आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने पढ़ा होगा। अगर फॉर या सिंस के साथ प्लस टाइम दिख जाएगा तो याद रखिए कभी इजेमार उसके पहले नहीं आ सकता, इजेमार हटेगा। इजेमार जो है उसके स्थान पर आएगा क्या, तो याद रखिएगा उसके स्थान पर या तो आएगा हैज़ या तो आएगा हैव, और उसके बाद दो कंडीशन बनेगी, या तो आएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो आएगा इसके बाद बी डबल ई एन लगाकर आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक, जनरली आप पढ़ते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक, लेकिन याद रखिएगा कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसमें आईएनजी आप नहीं लगा सकते, और जिन वर्ब में आईएनजी नहीं लगता या कुछ और भी रीजन होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बजाय फिर परफेक्ट में लिखना पड़ता है। ठीक, तो इसका मतलब कि कुछ भी हो लेकिन या फॉर सेंस के साथ अगर टाइम आ जाएगा तो इजेमार नहीं आएगा, और हेल्पिंग और इजेमार के स्थान पर क्या आना चाहिए, या तो हैज आना चाहिए या फिर हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल सकती है या बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म भी मिल सकती है। तो आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन में हमारे क्या किया गया है। तो क्वेश्चन में अगर यहां ध्यान से आप देखेंगे तो क्वेश्चन में भी ये रूल अप्लाई किया गया है। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन में आया है सिंस 2020, यहां आ गया फॉर सिंस के साथ 2020 हमारा टाइम है। जब यहां ये आ चुका है तो यहां इजेमार क्या कर रहा है, हमें पता है कि फॉर सिंस के बाद जब टाइम आ जाता है तो उसमें इजेमार नहीं आता, बल्कि इजेमार के स्थान पर या तो हैज लगाते हैं या तो हैव लगाएंगे प्रेजेंट के सेंस में, अगर पास्ट के सेंस में लगाना है तो हैड लगाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पर यह है कि चलिए आर तो यहां कट हो गया, अब आर के स्थान पे हम हैज लगाएंगे तो हैव लगाएंगे, तो याद रखिएगा यहां देखिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है हु। देखिए हु हो गया, दैट हो गया, विच हो गया, ये देखिए हु जो होता है जनरली ये सिंगुलर माना जाता है, लेकिन जब ये कंजंक्शन बन के आता है तो हु के पहले, अगर हु के पहले हमारा सब क्या है नाउन अगर प्लूरल होगा तो फिर हु भी प्लूरल माना जाएगा, अगर हु के पहले क्या होगा नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो हु भी क्या माना जाएगा सिंगुलर माना जाएगा, चूंकि हु के पहले देखिए आया जॉब सीकर्स और जॉब सीकर्स क्या है प्लूरल है, तो यहां हु भी क्या माना जाएगा प्लूरल माना जाएगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहां पे हैज नहीं बल्कि हम क्या यूज लगाएंगे यहां पे हैव कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब यहां देखेंगे ऑप्शन में कहां आया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो यहां बी यहां आर नहीं होना चाहिए बल्कि यहां क्या होना चाहिए था हैव हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा।